अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज ईद का तीसरा दिन है। आज हम लोग पका रहे हैं गोला कबाब बना रहे हैं बल्कि ना। तो अब ये देखें कि ईद के तीसरे दिन लाइट हमारी गई भी है माशाल्लाह से। सुबह सुबह कितने बजे गई थी लाइट? सुबह कितने बजे गई थी लाइट? सुबह 6 बजे भी गई थी। आई कितने बजे थी? सुबह 6 बजे भी लाइट गई थी और 8 बजे के करीब आई थी, ठीक है ना। और अभी भी लाइट गई हुई है, आधा घंटा तो हो गया ना, 1 घंटा तकरीबन, आधा पौना घंटा हो गया, अभी भी लाइट गई हुई है। और ये देखें कि ईद के दिनों में भी ये परेशानी हो रही है लाइट की। अभी देखें किचन में वैसे ही और भी गर्मी होती है, तो अभी और भी मज़ीद गर्मी हो गई है। बहरहाल गोला कबाब अभी हम मिसेज बना रही हैं, और किस किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये हमारा कीमा, ठीक है ना, ये 2 दफ़ा निकलवाया हुआ है मशीन से। ये मसाला जाते हैं, ये क्या चीज़ है, चने का पाउडर, चना मतलब ये पीसा है खुद ही, ये चने का पाउडर है। और ये क्या क्या चीज़ें हैं, ये गरम मसाला है, ये तो वो है सूखा धनिया, और ये क्या चीज़ है, ये लहसुन अदरक और प्याज। इसको हाँ, प्याज का अच्छी तरह से पानी निकाला हुआ है, तो प्याज का पानी निकाल के, और बाकी ये मसाला जाते हैं। ये क्या चीज़ है, अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्चें, नमक, और ये हल्दी और कुटी हुई मिर्चें, बस यही चीज़ें डलेंगी। चलें जी इंशाल्लाह, ये हमारे मसाला जात भी रेडी हैं, कीमा भी रेडी है, अब बनाना शुरू करते हैं। ओके जी, जितने भी आपको मसाला जात दिखाए थे वो सारे इसमें शामिल कर दिए हैं, प्लस इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी शामिल किया है। अब ये ऑलमोस्ट हमारा तैयार है, इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया। बाकी ये लीमू डालने हैं, 2 हमने लीमू लिए हैं। असल में मेरा जो स्टैंड था ना वो शॉप पे रह गया है, तो इस वजह से मुझे जो भी आज वीडियो बना रहा हूँ ये हाथ से ही मैंने मोबाइल को अटैच किया हुआ है। ये तो लीमू बड़ा कमज़ोर है पहले वाले में सही था रस। बीज ये मैंने निकाल दिए इसमें, देखें। इसे भी अच्छी तरह से फिर गूंद लेंगे, मिक्स अच्छी तरह से कर लेना है इसको। अभी तुम बताओ ना, ये लकड़ी है, ठीक है जी। इस तरह से ये गोले आपने लकड़ी पे राउंड करके, माशाल्लाह। ओके जी, ये एक और तैयार हो गया इधर। हाँ ये देखो, ये ऐसी आपको स्टिक चाहिए लाजमी, गोल सी, ठीक है ना, जिसपे आप ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त करके ये ऑलमोस्ट तैयार है। अब इनको सेकेंगे हम। ये हमारा जुगाड़ है। ओके जी, ये हमने आग जला दी है। कोयले तो नहीं है हमारे पास, लेकिन लकड़ियाँ हमारे पास मौजूद थी, तो लकड़ियों की आग जला के हम कोयले बना दें। और ये हमने बड़ा एक जुगाड़ सा लगाया हुआ है माशाल्लाह से, तो इसमें जैसे कोयले बन जाएंगे फिर हम इस पर कबाब सेकेंगे अपने। ये हमारे पास लकड़ियाँ मौजूद हैं, अभी जलने तो दो इसको सही तरह, कोयले बन जाएंगे फिर सही रहेगा। ओके जी, ये हमारे ऑलमोस्ट जो हैं कोयले तैयार हैं, हल्की सी इसमें आग रह गई है, बाकी तो ऑलमोस्ट कोयले जो हैं हमारे बिल्कुल रेडी हैं। ओके जी माशाल्लाह से रखें जी। ये पीछे जो आवाज़ें आ रही हैं ये मेरे बच्चों की हैं। इस तरह से आपने एक नेट जाली ले लेनी है, जाली के ऊपर ही आपने माशाल्लाह से, अगर तवे पे सेकना, तवे पे भी सेक जाएंगे ना, तवे पे सेकना चाहें तवे पे भी सेक लें, लेकिन इस तरह से कोयले की जो एक महक होती है वो इनके अंदर आ जाती है, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर बन जाता है। ओके जी, ये हम उठा के इंडोल ले आए हैं, क्योंकि अब धुआं वगैरह जो है सारा इसमें ख़त्म हो गया है,
अब क्या जबरदस्त इसमें से महक उठ रही है, जबरदस्त। आहा, ये ब्राउन होते ही जो महक उठ रही है ना, जबरदस्त। अभी से जो है ना डबल भूख लग गई है। अब उठिए सही वाली महक। घुमाओ घुमाओ। ओके जी, फाइनली माशाल्लाह से ये हमारे गोला कबाब तैयार हैं। ज़बरदस्त टेस्ट है इनका। अभी चेक किए हैं, ये हमारा पुलाव, चटनी, सलाद, ज़बरदस्त, लाजवाब।